हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष कुमार ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको 60 और 70 के दशक के मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का घर का पूरा ब्लॉग दिखाने वाले हैं दोस्तों, और उनके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। उनके घर में कौन कौन रहता है, उनके कितने बेटे हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, देखते रहे दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक। तो ये घर जो आप देख रहे हैं ये खार वेस्ट में है। इसी बिल्डिंग में वो अपने बेटी सोहाली खान के साथ रहती हैं दोस्तों। आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर को बेगम आयशा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका ये नाम शादी के बाद इनको मिला था। तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने सन 1968 में मशहूर क्रिकेटर थे, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे दोस्तों, एक मशहूर क्रिकेटर थे। उनका नाम मंसूर अली खान से शादी किया था, जो कि जाने माने क्रिकेटर थे। उनके 3 बच्चे थे दोस्तों, जो सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान। दोस्तों आप जानते हैं सैफ अली खान और सोहा अली खान को आप तो जानते ही रहेंगे। सैफ अली खान एक फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म कर रहे हैं अभी। तो आपको बता दें शर्मिला टैगोर जी का मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम करने के लिए जानी जाती हैं। उनको 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है दोस्तों। उनको हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीव अवार्ड भी मिला था। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए भारत के 3रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित भी किया है दोस्तों। तो बता दें कि शर्मिला टैगोर ने 14 साल की उम्र में ही मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे के प्रशासित बंगाली नाटक द वर्ल्ड ऑफ अप्पू 1956 के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी दोस्तों। जल्दी ही उन्होंने खुद को दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बंगाली सिनेमा में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक रूप में स्थापित किया था। शर्मिला टैगोर का विस्तार तब हुआ दोस्तों जब उन्होंने शक्ति सामंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म कश्मीर की गली 1964 में अपने शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में एक के रूप में स्थापित भी किया दोस्तों। तो उन्होंने कुछ फिल्में किया है जो कि मुख्य फिल्में उनकी हैं, सन 1965 में वक्त, 1966 में अनुपमा, 1969 में सत्यकाम और आराधना, जो कि आराधना फिल्म थी दोस्तों, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी उस समय की, जिसमें राजेश खन्ना जी अभिनय में थे दोस्तों। 1970 में अमर प्रेम, फिर से एक बार उनका राजेश खन्ना के साथ जोड़ी अमर प्रेम में हुआ था दोस्तों। 1972 में दाग और 1973 में आविष्कार। और कुछ फिल्में हैं दोस्तों जैसे कि चुपके चुपके, मौसम, सफ़र, नमकीन, आशिक आवारा, मान। और दोस्तों अंत में उन्होंने साल 2010 में ब्रेक के बाद उन्होंने अपने अभिनय को संन्यास ले लिया दोस्तों। सन 2010 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर से संन्यास लिया था दोस्तों। आपको बता दें अभिनय के साथ उन्होंने शर्मिला टैगोर ने अक्टूबर 2004 से मार्च 2011 तक केंद्रीय फिल्म प्रमार के बोर्ड के अध्यक्ष भी रही हैं दोस्तों। इसके रूप में उन्होंने काम किया है। दिसंबर 2005 में उन्होंने यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में भी चुना गया था दोस्तों। तो ये देख रहे पूरा घर ये इतना अच्छा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी टावर है दोस्तों। इसके 9वें महले पर दोस्तों शर्मिला टैगोर जी रहती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आप जीत से भी थोड़ा दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये देखिए एक बिल्डिंग के अंदर ये गाड़ी जा रही है दोस्तों। ये देखिए वॉचमैन ने ये गेट खोला है दोस्तों, इसी बिल्डिंग में शायद ये गाड़ी जाएगी, ये भी जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों,
और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।